हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं दोस्तों आपको एक अपने नए प्लांट को, नया जो मैं प्लांट नर्सरी से लाई थी और उसको रीपॉट करना बता रही हूँ मैं उसे, क्योंकि जो पॉट था प्लास्टिक के पॉट में आया था, अब मैं उसको अपने घर में शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बरगद का पेड़ ये है, मैं लेकर आई हूँ। वेरिएटेड वैरायटी है और इसको मैं लेकर आई थी, कई दिन हो गए मुझे लेकर आए हुए नर्सरी से, और आज मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो उसको एकदम से रिपोर्ट नहीं करना है उसी दिन। उसको लाइए और घर में उसे कुछ दिन रहने दीजिए, हफ्ता दिन एटलीस्ट कम से कम उसे रखिए कि वो घर के आपके एटमोसफेयर के साथ एडजस्ट हो जाए, फिर उसको रिपोर्ट कीजिए दूसरे प्लांटर में। तो आज मैं इसको इस पॉट में इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। ये मेरा सेरेमिक का पॉट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ये प्लांट छोटा है तो इसको मैं ज़्यादा बड़े पॉट नहीं दूंगी फ्रेंड्स, छोटा ही पॉट में शिफ्ट करूँगी। अब जैसे ये ग्रोथ करता रहेगा उस अकॉर्डिंग इसका मैं प्लांटर जो है चेंज करती रहूँगी। तो ये जो है ये हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, तो इसको जो मैं सॉइल दे रही हूँ सेम सॉइल दूँगी। इसमें भी मैं क्या है, सैंड, आपका सैंड हो गया, सॉइल हो गया, और आपके पास जो कोकोपीट है, और थोड़ा सा जो है वर्मी कंपोस्ट हो या आपके पास काउ डंग मैन्योर हो तो उसका यूज़ करूँगी मैं फ्रेंड्स। देखते रहिए क्या क्या करती हूँ मैं, देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको क्या करते हैं रिपोर्ट कर दिया है अपने न्यू प्लांटर में, और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पेड़, और ये मैंने इस तरह से इसको स्टोन से डेकोरेट कर दिया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी ऐसे कीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।